हरी विकली हरी मिर्च हरी मिर्च बाबू बहुत बहुत ये अपने लिए वाह क्या मिर्च यार नहीं उसने काफी दिए मैं बोल नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है और आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च फ्रास्टबिन की आपूर्ति हुई है। शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन के रेट में अभी तेजी बरकरार है। शिमला मिर्च की बात करें तो 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में शिमला मिर्च बिक रही है और फ्रास्टबिन मंडी में आज 45 रुपये प्रति किलो तक बिकी है। कल भी कुछ इसी तरह के रेट थे, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि शिमला मिर्च के रेट में थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिली है क्योंकि 75 रुपये तक भी शिमला मिर्च के रेट पहुंच गए थे, लेकिन 2-3 दिनों से शिमला मिर्च के रेट में थोड़ी गिरावट है। यदि हम अदरक की बात करें तो 80-90 रुपये के आसपास 100 रुपये तक बिक रहा है। अभी थोड़ी देर में हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे। सरणजीत जी, आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। शिमला मिर्च मंडी में आज आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्वालिटी देखें तो शानदार क्वालिटी की शिमला मिर्च मंडियों में इस वक्त आ रही है। व्यापारी बड़ी संख्या में सोलन सब्जी मंडी में फ्रास्टबिन और शिमला मिर्च खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप क्या भाव रही आज गंगाराम जी शिमला मिर्च? शिमला में सर आज हाईएस्ट 60 रुपये तक गई हुई है। 60 रुपये तक, 15 रुपये से लेके 60 रुपये तक। 60 रुपये तक। और फ्रास्टबिन? फ्रास्टबिन आपकी 36 रुपये से लेकर के 42 रुपये तक। आप जो ये खरीद रहे हैं यहाँ पर शिमला मिर्च फ्रास्टबिन, तो किन किन राज्यों को जा रही है? यूपी कहीं भी भेज दो, पर वैसे जा किन राज्यों में रही ज्यादातर? यूपी भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है। तो जैसे राज चले हैं तो उसका फर्क पड़ा है उठाव पे? फर्क ज्यादा नहीं है बहुत। अच्छा, मतलब ठीक उठाव। और गंगाराम जी थे जो खरीदार है शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन के, और तस्वीरें आप इस वक्त मंडी में देख रहे हैं। शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन बड़ी मात्रा में है और नरेंद्र ठाकुर जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे जो शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन की बोलियाँ लगाकर अब फारिग हुए हैं। ठाकुर साहब, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन में तेजी बरकरार है, हालांकि श्राद्ध भी चले हुए हैं। जी सभी को नमस्कार। और जहाँ तक मिर्चों की बात करें, इतनी अच्छी क्वालिटी होने के ना होने के बावजूद भी अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो इससे लगता है कि अगली मंडियों में हिमाचल की शिमला मिर्च की डिमांड है। आज बढ़िया क्वालिटी की जो शिमला मिर्च है वो 50 से 55 रुपए तक बिकी है और जो मीडियम क्वालिटी है वो 35 से लेकर 50 रुपए तक बिकी है। इसी तरह अगर बीन की बात करें तो बीन में भी अच्छे दाम देखने को मिले हैं, 38 रुपए से लेकर 42 रुपए तक जो बढ़िया क्वालिटी की बीन है वो बिकी है हमारे पास। बीन के 2-3 दिनों से रेट कुछ इसी तरह के चले हुए हैं। हाँ, मुख्य कारण जो व्यापारी बताते हैं, अगली मंडियों के आढ़ती बताते हैं, आजकल जो श्राद्ध चले हैं, श्राद्ध की वजह से थोड़ा सब्जियों का उठाव कम होता है, इसी वजह से मिर्च और बीन में या टमाटर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, धन्यवाद। और तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। शिमला मिर्च इनके पास 55 थी, कुछ जगहों पर 60 तक भी बिकी है, तो कुल मिलाकर 15 रुपये के बीच शिमला मिर्च बिकी है जो बहुत ही पुअर क्वालिटी है। और फ्रास्टबिन की बात करें तो फ्रास्टबिन 42 रुपये प्रति किलो तक तो सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। तो सोलन सब्जी मंडी में अभी टमाटर की बोलियाँ लगनी है। टमाटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुँचा है और बरसात के सीजन का है, क्योंकि गर्मियों के सीजन का टमाटर अब लगभग समाप्त हो चुका है और केवल बरसात के सीजन का टमाटर आया है। रेट में तेजी है, 1000 रुपये के आसपास तो वैसे टमाटर बिक ही रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में जैसे 1200-1300 रुपये बिक रहा था, उस तरह की तेजी अब देखने को तो नहीं मिली है। वजह श्राद्ध भी उसका कारण है, लेकिन मंडियों में शिमला मिर्च आप देख रहे हैं आज 60 रुपये तक बिकी है। और फ्रास्टबिन की बात करें तो फ्रास्टबिन 42 रुपये तक का मैक्सिमम रेट आज सोलन सब्जी मंडी में रहे हैं। बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों को यहाँ से, ज़्यादातर यूपी, दिल्ली, हरियाणा को सोलन से फ्रास्टबिन और शिमला मिर्च की आपूर्ति हो रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन की आपूर्ति हो रही है। शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च के भाव में पिछले दिनों तो काफ़ी तेजी देखने को मिली थी, 75 रुपये तक बिक रही थी, लेकिन अब उस तरह के दाम तो नहीं है। लेकिन फिर भी मंडी में आज की डेट में शिमला मिर्च 60 रुपये तक बिक रही है और 15 रुपये से रेट शुरू है।
क्वालिटी जिस तरह की उस तरह के रेट हैं। और यदि हम बात करें फ्रासबीन की, तो फ्रासबीन में मंडी में 45 रुपये प्रति किलो तक इस वक्त बिक रही है। 35 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच के भाव फ्रासबीन के चले हुए हैं और सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च और फ्रासबीन की आपूर्ति हो रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।